गुजरात के सियासी रणभूमि में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लगातार फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और पार्टी भी इसी तरह गुजरात चुनाव पर ध्यान देना चाहती थी। गुजरात में राहुल ने जो भी अस्त्र अभी तक इस्तेमाल किए हैं सभी सटीक बैठे हैं। राहुल के तीर से बीजेपी जख्मी नजर आ रही है। गुजरात की जंग को कांग्रेस फतह करने में कामयाब रहती है तो राहुल का रंग देश पर भी चढ़ेगा। राहुल गांधी ने गुजरात में वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस में जान डाल दी है। राहुल की अगुवाई में सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक कांग्रेस कार्यकर्ता जोश से लबरेज है। पिछले 22 सालों में पहली बार गुजरात में कांग्रेस का ये नजारा है। कांग्रेस पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई है और बीजेपी को टक्कर दे रही है। गुजरात में राहुल गांधी ने मोदी के उस ट्रम्प कार्ड की काट खोजी जिसने 2014 के चुनावों में कांग्रेस को कमोबेश हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया, यानी हिंदू कार्ड का जवाब जाति कार्ड से। बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि जातिगत राजनीति उसे रास नहीं आती है। बिहार का विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण है। यही वजह है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार की तर्ज पर गुजरात के सियासी रण को जीतने के लिए जातीय कार्ड खेला है। राहुल ने नवसज्जन यात्रा के जरिए पाटीदार, आदिवासी, दलित, ओबीसी समेत सभी समुदाय के बीच पहुंचकर अपनी पकड़ को मजबूत बनाया है। राहुल गांधी ने गुजरात में जाति आंदोलन से निकली त्रिमूर्ति अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक को गले लगाया है। तीनों को गले लगाने से कांग्रेस को मजबूती मिलती नजर आ रही है। बीजेपी ने करीब 20 साल पहले हिंदुत्व कार्ड के जरिए कांग्रेस के हाथों से सत्ता छीनी थी। इसके बाद कांग्रेस आज तक गुजरात में वापस सत्ता में नहीं आ सकी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति के हथियार से ही बीजेपी को मात देने की जुगत में है। गुजरात में राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह को अपनाया है।